জয়গাঁ থানার অন্তর্গত রামগাঁও এলাকায় একটি গৌশালা রয়েছে। সেই গৌশালার গরুদের সেবার লক্ষ্যে জয়গাঁ খাটু শ্যাম সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে জয়গাঁ শহরে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়, যে গাড়িটি জয়গাঁ শহরের প্রতিটি রাস্তাঘাটে যাবে এবং মানুষের কাছ থেকে সবজি অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করবে। পাশাপাশি কেউ চাইলে গরুর জন্য খাবারও দিতে পারে। রবিবার 12টা নাগাদ জয়গাঁ সুপারমার্কেট এলাকায় এই গাড়িটির শুভ সূচনা করা হয়। 1টা নাগাদ সংস্থার প্রতিনিধি এই প্রসঙ্গে কি বললেন শুনুন। खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट के तरफ से है और खाटू श्याम ट्रस्ट के अंतर्गत एक गौशाला भी है जिसके तकरीबन समझ लीजिए कि 60-65 गाय है और ये 2008 से गौशाला हमने शुरू की थी। गौशाला किसी एक जन के सहयोग से नहीं चल पाएगा, इसलिए हमने ये आज रथ वापस से गांव में निकाला है। हम हर हिंदू सनातन भाई पूरे जयगांव वासियों से अनुरोध करेंगे कि तन मन धन से इस गौशाला रथ में अपना सहयोग दे। ये जैसे रथ आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जयगांव का भ्रमण करता है। सुबह 8:30 बजे गौशाला से निकल के सुपरमार्केट, नीचे अग्रसेन भवन वगैरह सब होते हुए आपके साइड से एमजी रोड, एनएस रोड और हर गली मोहल्ला में जाएगी गाड़ी। तो हम हर अपने हिंदू भाई, अपने हर समाज के वर्ग के आदमी से, महिलाएं से, बहना से रिक्वेस्ट अनुरोध करेंगे कि जो भी श्रद्धा हो, चाहे धन रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो, या कोई सेवा आटा वगैरह, गेहूं वगैरह या दाना वगैरह दे के करना चाहता है, वो सीधा गौ के द्वार, घर के गौ के खाना में जाएगा। तो आपके माध्यम हम पूरे जगह वासियों को कहने चाहते हैं कि यह गौरत हर जगह जाएगी और हमें अपने जगहों के लिए, गौशाला के लिए कृपया सहयोग करें, कुछ ना कुछ अन्न धन मन का सहयोग करें ताकि गौशाला अपने एकदम सुचारू रूप से चलती रहे। राम गाँव में ये गौशाला। मेरा नाम राम गोपाल है, श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट का सचिव हूँ।